वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मोना वर्मा फ्रॉम एनजे स्कॉलर्स। आज हम करेंगे इंग्लिश चैप्टर 6 पोयम माई ग्रैंड मदर हाउस। ये लिखी है कमला दास ने। इस पोयम में बताया गया है कि एक ग्रैंड मदर और एक डॉटर का क्या रिलेशनशिप रहा है और कैसे उसने अपनी दादी की डेथ के बाद क्या किया, कैसे कहा, घर की कंडीशन के बारे में उसने बताया। तो पढ़ते हैं हम थोड़ा सा समरी। ये रही, इसमें बताया गया है कि इसमें दिखाया भी हुआ है साइड में फ़ोटो में कि कैसे उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो बैठी है, कैसे वो अपना चाइल्डहुड स्पेंड कर रही है विद ग्रैंड मदर। ये रही दिखाया हुआ है इसमें। तो हम पढ़ते हैं थोड़े से पॉइंट्स। ग्रैंड मदर हाउस के बारे में वो बता रही है। इसमें स्टोरी में बताया गया है, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन दे रखा है उसने कमला दास ने, कि जब वो अपनी दादी के साथ थी वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती थी। और इस स्टोरी में बताया गया है कि जब उसकी दादी की डेथ हो गई तो उसने क्या देखा घर में, कैसी अपने आप को अकेलापन फील करा। हेयर शी कम्स टू द मेमोरीज, उनने अपनी मेमोरीज़ को याद करा, मिस करा अपनी दादी को, ग्रैंड मदर को। और उनने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया कि वो कैसी थी, उनका नेचर कैसा था, जो अपना और अपनी दादी के बीच का रिलेशनशिप था उसको बताया। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। हेयर शी कम्स अप विद मेमोरी दैट शी ऑलवेज बी मिस्ड अबाउट हर ग्रैंड मदर। जब वो अपनी दादी के बारे में बताती है वो मेमोरियों को मिस करती है, बहुत ज़्यादा याद करती है। शी स्टार्ट विद शी फील्स दैट हर ग्रैंड मदर हाउस शी नाउ सो फार फ्रॉम हर एज हर ग्रैंड मदर डेथ। जब उसकी दादी की डेथ हुई तो उसने जब वो अपनी दादी के घर गई उसने रियलाइज करा कि कैसे, मतलब वो जो घर है काफ़ी ज़्यादा बिखर चुका है। इमोशनली वो अटैच थी अपनी दादी से और कैसे वो अपने, मतलब जो हाउस को देखकर, उसकी दिशा को देखकर कैसे उसे फील हो रहा था। ग्रैंड मदर द सोल ऑफ द हाउस, मतलब जो ग्रैंड मदर थी सोल थी वो हाउस की। उसने देखा कि जो हाउस है काफ़ी ज़्यादा उसकी दीन दशा जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, कि दीवारों को देखकर, अपने रूम्स को देखकर, विंडो को देखकर उसे हर मेमोरी की याद आई। उनने रिपीट करा कि मैं कैसे अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करती थी वहाँ पर। जो फर्दर शी एड्स दैट द स्नैक्स कुड बी सीन अमंग बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द हाउस। उसने देखा कि जो लाइब्रेरी है उसमें सांप घूम रहे हैं, गंदगी हो रही है चारों तरफ, छज्जे पे जालियाँ बन रही हैं। आफ्टर हर न्यूज़ ऑफ अ पासिंग अवे ऑफ हर ग्रैंड मदर शी वॉज अ फ्रोजन एंड सीम्ड कोल्ड लाइक द मून। उसने ये बताया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे और थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको समरी की। उसने बताया गया है कि मैं दादी के साथ अपना चाइल्डहुड बिहेवियर, जो मतलब चाइल्डहुड जो अपना लाइफ थी मैंने कितने अच्छे से स्पेंड करी। दादी के बाद मैं अपने आप को अलोन समझने लग गई, उसकी फीलिंग जो थी बड़े होकर काफ़ी बदल गई। कुछ अब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हो और पहले समझ लेना। व्हाट टाइप ऑफ लव और रिलेशनशिप डू यू फाइंड बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द स्पीकर। जो कमला दास थी और उनकी ग्रैंड मदर थी उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था। द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द स्पीकर वॉज वेरी कॉर्डिनल एंड नाइस, बहुत ज़्यादा नाइस और कॉर्डिनल था। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते थे, अपनी ग्रैंड मदर से वेरी मच लव करती थी वो, शी लव्ड हर सो मच। तो जब वो यंगर हुई शी डिड नॉट लाइक लीव हर अलोन, जब वो बड़ी हुई उसे अच्छा नहीं लगता था कि वो कैसे अकेले रहेगी। तो उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्वीट और मेमोरेबल था, वो अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थी उस हाउस में। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस। जो कमला दास है उन्होंने कैसे ग्रैंड मदर के हाउस की कंडीशंस को बताया है हमारे तक, वो बताते हैं। द स्पीकर वॉज ही द पोएट ऑफ दिस पोयम वॉज राइटन अबाउट द कंडीशन ऑफ हर हाउस। उनने बताया, पोइट ने, जो कमला दास थी उन्होंने बताया है कि कैसी कंडीशन थी ग्रैंड मदर के हाउस की।
जब वो रहते थे वो काफी ज्यादा अच्छा हाउस बना हुआ था। उनकी डेथ के बाद वहाँ पर कोई भी साउंड अच्छी नहीं थी, और उनने देखा कि कैसे साउंड हो रही है। ये री लाइन, इट इज प्रोड्यूस अ साउंड लाइक अ बार्किंग डॉग व्हेन इट इज ओपन और क्लोज। ऐसा लग रहता है जैसे वहाँ पर डॉग भौंक रहे हैं। आफ्टर डेथ द हाउस इज वैकेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। वट चेंज हैव टेकन प्लेस सिंस द स्पीकर ग्रैंड मदर डेथ। जब कमला दास के जो चेंजेस क्या क्या आए आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ, मतलब उनकी ग्रैंड मदर के मरने के बाद जो कमला दास हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज है। वेन द स्पीकर ग्रैंड मदर डेथ सो मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस आफ्टर हर डेथ। बहुत सारे उनकी लाइफ में चेंजिंग आए। नथिंग लेफ्ट बिहाइंड इन द हाउस। जो अपना उनका हाउस था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। द हाउस केम डार्क एंड वाइल्ड एनिमल्स यूज टू मूव इनसाइड। अंदर की साइड डार्कनेस हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वाइल्ड एनिमल्स यूज कर रहे हैं उस अंदर को। और ऐसा लग रहा था स्नैक एंड अदर इंसेक्ट आर फाउंड इन दैट लोनली हाउस। जो अकेले हाउस में सिर्फ क्या थे, स्नैक्स ओ सांप थे और इंसेक्ट थे बहुत सारे। तो उसे ये लग रहा था कि ये घर अब काफ़ी, जो उसकी कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, स्केयर डर रही थी वो उस घर में जाने से भी, और अपनी मेमोरियों को भी रिमाइंड कर रही थी। ये सब उसके में चेंज आए। काफ़ी ज़्यादा उन्हें मिस कर रही थी ग्रैंड मदर को, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। वॉय वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। जो कमला दास थी क्यों प्राउड ऑफ लिविंग, खुश थी, प्राउड कर रही थी कि मैं वहाँ रहती थी। द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस बिकेम इन द हाउस शी रिसीव्ड लव फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनने जो उस घर में रहकर जो लव रिसीव करा था, मतलब उससे प्यार जो मिला था काफ़ी लंबे टाइम तक, फॉर लव शी मूव्ड बट शी गॉट इट हर ओल्ड हाउस। जो उसका घर था बहुत पुराना था, उसमें से उसे बहुत सारा प्यार मिला, इस वजह से वो प्राउड करती थी उस घर में रहने से। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ। जो कमला दास थी वो अकेलेपन से रहने से वो खुश नहीं थी। नो द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ। वो खुश नहीं थी अपनी इस लाइफ से। उसे अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहना पसंद था, ग्रैंड मदर के साथ ही अच्छा लगता था, मिलजुल के रहना, हंसी मजाक करना। तो वो अपने चाइल्डहुड जो लाइफ थी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ। तो फिर बिकॉज एट अ प्रेजेंट शी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, उन्होंने इस टाइम इस लाइफ में क्या करा, जो अपने ग्रैंड मदर को खो दिया। एट द हाउस वेयर शी रिसीव्ड लव, सिर्फ वो अपने घर से प्यार रिसीव कर रही थी, सिर्फ ले रही थी, सिर्फ यादों से, मेमोरी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।